ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 23वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। धर्मदत्त बोला, मैंने जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने कौन सा नियम या व्रत किया है जिससे विष्णु का रूप मिला है? गण बोले, हे विप्र, तृण बिंदु की देवहूति कन्या से कर्दम ऋषि की कृपा से दो पुत्र हुए। बड़ा जय व छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति के योगी कपिल देव हुए। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों को व्रतियों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दी थी। इसी से बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। एक बार उन दोनों को मारुत राजा ने बुलाया। वह यज्ञ करने में चतुर थे। उनको देवता और ऋषि मानते थे। वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याजक बना। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ। इसके बाद राजा मारुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सा धन दिया। उस धन को लेकर दोनों अपने आश्रम में आए। भगवान के पूजन और प्रसन्नता के लिए वह दोनों उस धन को बांटने लगे। इसलिए आपस में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए और विजय ने कहा कि जो जिसको मिल गया वह उसी का है। फिर जय अपने मन में दुखी हुआ और विजय को श्राप दिया कि तू प्राप्त धन को नहीं देना चाहता है, इससे ग्रह बन जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने घमंड में आकर मुझे श्राप दिया है, इसलिए हाथी हो जा। तब उन दोनों ने नित्य पूजन के समय भगवान दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह श्राप निवारण की प्रार्थना करने लगे और दोनों बोले, हम आपके भक्त हैं, ग्रह और गज की योनि में कैसे जाएंगे? इससे हे कृपा सिंधु, इस श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री विष्णु बोले कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत नहीं होती और मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। एक बार मैं प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के कहने से मैं इस अवतारों में प्रकट हुआ। तुम दोनों अपने कहे हुए सापों को भोग करके मेरे रूप को पाओगे। यह कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्रह और गज बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगकी में स्नान करने के लिए गए। उस समय सांप के कारण को याद करके ग्रह ने गज का पैर पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े उस हाथी ने विष्णु का ध्यान किया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्रह को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ को ले गए। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त को समझाकर वे गण विमान में बैठ कलहा समेत वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त ने भी विश्वास युक्त हो उस व्रत को किया और मरणोपरांत दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गया। इस वृतांत को जो प्राणी सुने और सुनावे वह भगवान की कृपा से विष्णु के समीप देने वाली भक्ति को प्राप्त करेगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म 23वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।